मॉर्निंग के स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर थर्ड स्टडी किया था। आज हम चैप्टर फोर्थ करेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड ओपन पेज नंबर 29, देन मेंशन डेट एंड डे हियर। ओके, यस। हमारा चैप्टर फोर क्या है? एडिशन। एडिशन हम सभी ने प्रीवियस क्लासेस में किए, सभी को आती होगी एडिशन, तो है ना। सभी ने किया है कि 3 डिजिट 4 डिजिट के जो नंबर हैं किस तरह से हम एडिशन करते हैं। तो आज हम सीखेंगे 5 डिजिट के एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग। क्या सीखेंगे? 5 डिजिट के एडिशन विदाउट, 5 और 6 दोनों सीखेंगे, और विदाउट रीग्रुपिंग, है ना। तो ये हमारे पास है एग्जाम्पल है, पहले हम वो देखेंगे। 823,466 एंड 34,222। तो यहाँ देखेंगे आप कितना डिजिट है दोनों तरफ, 5 डिजिट है। अरेंज द गिवन नंबर्स इन कॉलम्स एंड एड इन कॉलम वाइज वी गेट। कॉलम देखेंगे आप, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड। तो हमने कॉलम बनाया वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड। ओके, तो अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। वंस की प्लेस पे क्या है? 6, और टेंस के प्लेस पे भी 6, हंड्रेड के प्लेस पे 4, थाउजेंड के प्लेस पे 3 एंड 10,000 के प्लेस पे 2। इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। देन अगेन जो सेकेंड नंबर है उसे भी हम वंस के प्लेस पे वंस वाला डिजिट लिख देंगे, टेंस के प्लेस पे टेंस वाला। इस तरह से हमको ही सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वंस वाले को ऐड करेंगे, वंस 6 और 1, वंस वाला, इन दोनों को ऐड किया तो 7। टेंस वाला क्या है? 6 एंड 2, 6 एंड 2 8। हंड्रेड वाला क्या है? 4 एंड 2, 4 एंड 2 कितना हो गया? 6। थाउजेंड वाला क्या है? 3 एंड 4, 3 और 4 7। फिर 10,000 वाला 2 एंड 3 5। तो ऐड कहाँ से करेंगे? वंस से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? हमेशा की तरह वंस से ही ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ये विदाउट रीग्रुपिंग था। इसी तरह से आपको 6 डिजिट वाला करना है, जो कि आपको यहाँ 6 डिजिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड। देन 10,000 के बाद क्या आ जाता है? लेख, 2 लेख, 14,000 एंड 360, है ना। अब यहाँ क्या दिया है? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, देन लेख, 3,61,403। अब यहाँ पे भी सेम वही है, 1,24,123। सभी में 6 डिजिट है। सबसे फर्स्ट काम हमारा होता है कॉलम में अरेंज करना। तो हम कॉलम में अरेंज कैसे करेंगे आप देखेंगे। सबसे पहले आप कॉलम बनाएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेख। हमने काउंट किया था कहाँ तक था, वो लेख तक था। फिर इनको अरेंज किया, वंस वाले कॉलम में वंस वाली डिजिट सभी की लिख दी, टेंस वाले में टेंस वाली डिजिट लिखी, हंड्रेड वाले में हंड्रेड वाली, और थाउजेंड वाले में थाउजेंड वाली डिजिट लिखी, 10,000 वाले में 10,000 की, और लेख वाले में लेख की। इसी तरह से सब जगह ये अरेंज कर लिया हमने। सबसे पहले वंस वाले को ऐड करना है, 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 3 एंड 3 6, 6 एंड 2 8। देन 100 वाला ऐड करेंगे, 4 और 3 3 और 4 7 एंड 1 8, 4 एंड 1 5, 5 और 5 एंड 4 9, 1 एंड 6 7, 7 और 2 9, 3 एंड 2 5, 5 एंड 1 6। इस तरह से हमने क्या किया, इसको अरेंज करके और ऐड किया है। अब हम हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.1। आप समझ गए होंगे, सबसे पहले वंस को ऐड करना है, फिर टेंस को, फिर 100 को। इस तरह से आपको ऐड करना है कॉलम वाइज। ओके, कॉलम में अरेंज करना आपको बता ही दिया है, ठीक है। 4.1, अब 4.1 हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ऐड द फॉलोइंग, क्या करना है आपको, ऐड करना है कहाँ तक के नंबर है, 10,000 तक के। आप यहाँ देखेंगे 10,000 तक के, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वंस वाला ऐड करना है। तो ये वंस वाला 3 एंड 3 6, वंस वाले के बाद हमको क्या ऐड करना होता है, टेंस वाला 2 एंड 2 4, फिर 100 वाला 7 एंड 1 8, 100 के बाद 1000, 4 एंड 1 5, देन 10,000। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो इट मीन्स हमको 5 एज इट इज लिखना है। ओके, ऐसे ही हम एक नेक्स्ट और करके देखेंगे, 3 एंड 3 6, 2 एंड 5 7, 7 एंड 1 8, 3 एंड 3 एंड 1 4। इस तरह से आपको करना है। कैसे जाना है आपको, वंस से 1000 की ओर। ओके, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000। आपको किस तरह से अरेंज करना है, पहले किस तरह से आपको ऐड करना है, पहले वंस वाले डिजिट को ऐड करना है, फिर टेंस वाले को, देन हंड्रेड वाले को, देन थाउजेंड, देन 10,000। इस तरह से आपको ऐड करना है। ओके, कैसे जाना है आपको, राइट टू लेफ्ट जाना है, ये राइट से लेफ्ट है ना। इस तरह से आपको यहाँ ऐड करना है। इसके रिमाइनिंग जो है आपको सेल्फ ऐड करने होमवर्क में। ओके, यस।
अब ऐड द फॉलोइंग, ये भी ऐड ही है हमारा सिंपल सा, बट इसमें जो हमारी जो डिजिट है वो एक और कॉलम यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। कौन सा कॉलम हमारा न्यू आ गया? लेक का कॉलम। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड लेक। अब आप देखेंगे वंस है ना, हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? सबसे पहले हम वंस की कॉलम को ऐड करेंगे, वन एंड फोर, फाइव, ओके। इसके बाद हम टेंस वाले कॉलम को करेंगे, फाइव एंड थ्री, एट। देन हंड्रेड वाले को एज इट इज टू, बिकॉज जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। थाउजेंड, टू एंड फोर, सिक्स। टेन थाउजेंड को करेंगे अब हम थ्री एंड टू, फाइव। लेक सिक्स एंड टू, एट। इस तरह से हमको ये ऐड करना है। इसका मैं आपको एक एफ वाला करवा रही हूँ, बिकॉज ये थ्री उसका बन रहा है। तो अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे थ्री कॉलम, वन टू, लिखना आपको। अब हमारे पास एक डिजिट एक कॉलम और पड़ गया, वो है लेक।
यस, अब हम सी वाला कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमने अरे पहले किया हुआ है, जैसे कि आप अर्न्स 100,000 10,000 इट मींस राइट टू लेफ्ट, है ना। इस तरह से हमने अरेंज कर लिया है, अरेंज करना है होगा, आप सभी को आ गया होगा ना। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, वंस से, वंस वाले करेंगे 6 and 1 7 7 and 2 9। ओके, देन 10 5 and 2 7 7 and 1 8, देन 100 4 and 3 7 जीरो है तो कोई वैल्यू नहीं, हमें 7 लिखेंगे। 1000 3 and 4 7 7 and 2 9, 2 and 5 7 7 and 1 8, ओके 6 1 and 6 7। तो हमने जैसे किया राइट टू लेफ्ट, ओके इस तरह से आपको सॉल्व करना है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग, क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग, क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग, ये सभी आपको आज होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके, सभी को पढ़ लो, तो सब होमवर्क नहीं कर रहे, सभी को करके सबमिट भी करवाना है। ओके, थैंक यू। यस, अब हम सी वाला कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमने अरे पहले ही किया हुआ है, जैसे कि आप अर्न्स 10,000 10,000 इट मींस राइट टू लेफ्ट, है ना। इस तरह से हमने अरेंज कर लिया है, अरेंज करना है होगा, आप सभी को आ गया होगा ना। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, वंस से, वंस वाले करेंगे 6 and 1 7 7 and 2 9, ओके देन 10 5 and 2 7 7 and 1 8, देन 100 4 and 3 7 जीरो है तो कोई वैल्यू नहीं, हमें 7 लिखेंगे। 1000 3 and 4 7 7 and 2 9, 2 and 5 7 7 and 1 8, ओके 6 1 and 6 7। तो हमने जैसे किया राइट टू लेफ्ट, ओके इस तरह से आपको सॉल्व करना है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग, क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग, क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग, ये सभी आपको आज होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके, सभी को पढ़ लो, तो सब होमवर्क नहीं कर रहे, सभी को करके सबमिट भी करवाना है।